इस पर मुकदमा चलाओ जाब। अब यह आधी रात का समय रहा। उन सिपाही ईसु का महायाजक के घरे ले आए, कहे से वह ईसु से सवाल करो चाहत। पतरस दूरी से वह का पीछा कर रहो थे। जब सिपाही ईसु का घर में ले गए तो पतरस बाहर रुक कर खुद आग से कहला। घर के भीतर यहूदी अगुवन ने ईसु के ऊपर मुकदमा चलाए। वह के खिलाफ झूठी बातन का बोलने के खातिर बहुत से झूठे गवाहन का लेके आए। हालांकि उन्हीं की बातें एक दूसरे से सहमत ना रही। यही खातिर यहूदी अगुआ या साबित नहीं कर पाए कि वह कौनो बात का दोषी है। यीशु ने कुछ ना कहो। अंत में महायाजक ने सीधे यीशु की तरफ देख कर कहे, हमका बताओ कि का तय ही जीवित परमेश्वर का लड़का मसीह आही। यीशु ने कहो, मैं यहाँ हूँ और तुम महिका परमेश्वर के साथ है बैठ और स्वर्ग से आवत हुआ भी देखिहा। महायाजक ने अपन कपड़ा फार लीने कहे से कि जौन यीशु ने कहो वह बात पर बहुत क्रोधित होगा। वह दूसरे अगुवन पर चिल्लाओ, हमका यह बताओ के खातिर कोनो दूसरे गवाह के जरूरत नहीं है कि यह आदमी ने का कीन। तुमने खुद ही वही का यह कहा सुन लीन हो कि वह परमेश्वर का लड़का आए। वही के बारे में तुम्हार का निर्णय है। सबई यहूदी अगुवन ने महायाजक का उत्तर दीने वह मरे के योग। तबई उन यीशु की आँखें माँ पट्टी बांध दीने, वही पै थूकिन, वही का मारिन और वही का मजाक उड़ाइन। और पतरस जब वह घर के बाहर इंतजार कर रहो थे तबई एक दासी बिटिया ने वही का देखिस। वह वही से कहिस, तहु यीशु के साथ माँ रहो हा। पतरस ने मना कर दीने। बाद में कौनो दूसर बिटिया भी यह बात का कहिस और पतरस ने फिर से मना कर देने। अंत में कुछ और लोगन ने कहो, हम जानत हैं कि ते यीशु के साथ है रहो है, कैसे तुम दोनों गलील से आहू। तब पतरस ने कहो, अगर मैं यह आदमी का जानत होते हो तो परमेश्वर मुझका श्राप दिए। जल्दी ही पतरस के इन दाना शपथ खाए के बाद एक मुर्गा ने बाग दी। यीशु ने पाछे मुड़ के पतरस का दिखिस। पतरस वही जगह से चलोगा और फूट फूट कर रोवेला। वही समय यीशु का पकड़वावे वाला यहूदा ने दिखिस कि यहूदी अगुवन ने यीशु का मृत्युदंड दीन। यहूदा बहुत दुखी भा और जाकर खुद का मार डारिस। अब वह देश का राजपाल पिलातुस रहा है। वह रोम देश के खातिर काम करत है। यहूदी अगुए यीशु का वही के नेरे लेके आए। वही चाहते कि पिलातुस वही का मृत्युदंड दे और वही का मार डारे। तब पिलातुस यीशु से पूछिस, का ते यहूदियन का राजा आही। यीशु ने उत्तर देने, ते सच कहा था, लेकिन मोर राज यहाँ पृथ्वी का नव है। अगर हुआ तो मोर दास मोरे खातिर युद्ध करत। मैं पृथ्वी पर परमेश्वर के बारे में सच बतावे के खातिर आओ हूँ। हर एक जन जौन सच से प्रेम करत है वह मोर सुनत है। पिलातुस ने कहो, तो सच का है। यीशु के साथ है बात करें के बाद पिलातुस ने बाहर भीड़ के नेरे जाए कह कहे, मैं ऐसा कौनो कारण नहीं पाती कि यह आदमी मार डारे जाए के लायक। लेकिन यहूदी अगुवन और भीड़ ने के लायक चिल्ला के कहे, वही का क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस उत्तर दीने, वह कुछ भी गलत करे का दोषी निहाय। लेकिन वही और भी तेज आवाज में चिल्ला लाग। तब पिलातुस ने तीसरी बेर कहो, वह दोषी निहाय। पिलातुस डरागा कि वह भीड़ दंगा शुरू न कर दे। यही खातिर वह अपने सिपाहियन द्वारा यीशु का क्रूस पर चढ़ाव के खातिर मानगा। रोमी सिपाहियन ने यीशु का कोड़े मारे और वही का राजा वाले कपड़ा पहराइन और वही के मुड़े में काटन का बना मुकुट रखिन। तब उइया कह के वही का मजाक उड़ावे ला, देखा यहूदियन का राजा। मत्ती अध्याय 26:57 वचन से अध्याय 27:26 वचन तक। मरकुस अध्याय 14:53 वचन से अध्याय 15:15 वचन तक। लूका अध्याय 22:54 वचन से अध्याय 23:25 वचन तक। यूहन्ना अध्याय 18:12 से अध्याय 19:16 वचन तक से बाइबिल का एक कथा।